हमारे साथ सूरज ओझा जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी मातोश्री, सीधे आपको लिए चलते हैं। मातोश्री में किस तरह की हलचल सूरज? जी बिल्कुल, देखिए आपको वापस से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी शिव सैनिक हैं, जितने भी बड़े शिवसेना से जुड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँचने लगे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपने YouTube के लाइव के माध्यम से इस्तीफा दिया और साथ ही MLC के भी पद से इस्तीफा दिया। तो देखिए यहाँ पर हलचल कितनी तेज़ बढ़ गई है, चूँकि बारिश है इस वजह से सभी लोग अपने शेड्स के नीचे चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब हलचल तेज़ हो गई है। किसी भी वक्त यहाँ से अब उद्धव ठाकरे निकलेंगे और राजभवन की तरफ कूच करेंगे और राज्यपाल को आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा देंगे। तो अब उद्धव ठाकरे सरकार की जो 2.5 साल की सीएमशिप है वो आज खत्म हो गई, और जैसे ही वो अपना इस्तीफा देंगे उसके बाद कल से महाराष्ट्र की राजनीति का एक नया चैप्टर शुरू होगा। क्योंकि जितने भी बागी विधायक हैं वो कुछ समय पहले ही गोवा पहुंच चुके हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने खुद बताया। क्योंकि आपने खुद गोवा का जिक्र कर दिया सूरज, तो अपने दर्शकों को हम गोवा ही अब लिए चलते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो गोवा पहुंच चुके हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद हैं, जो कि हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय, क्या ये विधायक बाहर आए? तो मृत्युंजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम बात कर सकें। दरअसल अभी तक की सूचना के मुताबिक एयरपोर्ट से बाहर वो नहीं आए हैं तमाम विधायक। ये देखिए एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीर है, जो जश्न का माहौल आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर विजय मुस्कान लगातार, और अब आपको गोवा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गोवा एयरपोर्ट। क्योंकि कुछ ही देर में यहां से एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो बाहर आएंगे एयरपोर्ट से बाहर, चार्टर्ड विमान से गुवाहाटी से वो पहुंचे हैं। हालांकि अब यह देखना भी अहम हो जाता है कि अब आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं, तस्वीरें बदल गई हैं, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो चुका है। क्या आज की रात गोवा में रुकेंगे ये विधायक, या ये भी मुमकिन है कि मुंबई आज ही पहुंच जाएं? इस तरह के भी कुछ सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ये देखिए आपके सामने जो दो तस्वीर है इस वक्त, वो बीजेपी में जश्न का जो माहौल है उसकी तस्वीर आपके सामने। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर लगातार बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, गिर गई। उद्धव ठाकरे ने खुद अपना इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने बहुमत परीक्षण का सामना नहीं किया, फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने एक तरीके से सरेंडर कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि शायद उन्हें राहत मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया था। और गोवा से हमारे साथ मृत्युंजय जुड़ गए, हमारे सहयोगी। गोवा पर हर किसी की निगाह इसलिए है क्योंकि वहां पर एकनाथ शिंदे गुट के विधायक मौजूद हैं। मृत्युंजय, क्या ये विधायक बाहर आए एयरपोर्ट से? देखिए विधायक जो है वो बाहर आने शुरू हुए हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो किस गेट से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से उनको अलग गेट से भी निकाला जा सकता है, VIP गेट से भी निकाला जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। ये आपको दो बसेस जो नज़र आ रही हैं अराइवल गेट के ठीक बाहर, और इस गेट पर किसी को भी अलाउ नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ जो मूवमेंट है वो इसीलिए रखा गया है कि यहाँ पर अगर विधायक आते हैं तो आसानी से वो इस बस में आ सके। थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं तस्वीरें आपको। देखिए ये पूरा गेट जो है यहाँ पर आम यात्रियों के आने पर रोक है। यहाँ पर इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है सुरक्षा कवच कि विधायक जो है अगर इस गेट से बाहर आते हैं तो वो सीधे बस के अंदर दाखिल हों। लेकिन अब तक कोई ऐसा मूवमेंट यहाँ पर नज़र नहीं आया है कि कोई भी जो विधायक हो यहाँ पर पहुँच सके। इसीलिए अभी ये देखना होगा कि किस गेट से उन्हें निकाला जाता है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। विधायक अब धीरे धीरे एयर फ्लाइट से बाहर आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उन्हें किस गेट से निकाला जाएगा और कैसे यहाँ तक पहुँचाया जाएगा और फिर किस तरह से उनका मूवमेंट होगा ये जाहिर नहीं किया गया है। तो अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था एक इस गेट की भी हम देख रहे हैं, एक दूसरा गेट भी है कार्गो गेट का, वहाँ पर भी सुरक्षा कड़े किए गए हैं। तो ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस गेट से विधायकों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। बहुत सारे वैन्स हैं, साथ ही साथ ये देखिए गोवा पुलिस का प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर देखिए पुलिस का वैन्स है, सुरक्षा वाहन यहाँ पर लगाया गया है। तो कॉन्वॉय तैयार किया गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि जो विधायक हैं वो इसी रास्ते से निकलेंगे या फिर उन्हें उनके लिए कोई दूसरा रूट डिफाइन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया, अन्य विधायकों की प्रतिक्रिया, क्योंकि जब वो गुवाहाटी से टेक ऑफ किए थे तब उन्हें ये पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आने वाला है, उन्हें नहीं पता था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का क्या निर्णय होने वाला है या वो संबोधन भी करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ उतरे उन्हें कई बड़ी खबरें मिली। सबसे बड़ी खबर यही कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए हाँ कर दिया है। अब ऐसे पर सवाल उठता है कि क्या जो उद्धव ठाकरे हैं वो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया उसके बाद क्या फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। जी
नहीं, अब तो फ्लोर टेस्ट का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि खुद ही इस्तीफा दे ही चुके, तो इसका मतलब है फ्लोर टेस्ट का सामना वो नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मृत्युंजय, उससे अब एक सवाल यहां ये खड़ा होता है, स्थितियां मुंबई में बदल गई हैं, क्या ये विधायक गोवा में रुकेंगे या सीधे मुंबई भी जा सकते हैं? चलिए इस पर आगे हम बातचीत करें, उससे पहले जरा हम आपको सुनवा देते हैं देवेंद्र फडणवीस का वो ऐतिहासिक संबोधन जिसमें उन्होंने ये कहा था, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। सुनिए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और ये समंदर वापस आ भी गया, जिस तरीके की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ा उलटफेर। जी हां, उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, गिर गई, उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया है और कुछ ही देर में राज्यपाल से उनकी मुलाकात होनी है, जहां औपचारिक तौर पर वो पत्र उन्हें सौंप भी देंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, और इधर देखिए आप किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर विजय मुस्कान, उनके साथ के लोगों को आपने देखा किस तरीके से मिठाइयां बांटी जा रही थी, यानी अब नई सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार, बीजेपी की सरकार। हालांकि अब कई सवाल जरूर खड़े होते हैं कि एकनाथ शिंदे जो गुट है उसका क्या होगा, क्या उस गुट के लोग भी सरकार में शामिल होंगे, बाहर से समर्थन देंगे, ये तमाम तस्वीरें आने वाले दिनों में धीरे धीरे साफ होती चली जाएंगी। लेकिन अभी एक ताजा जानकारी हमें यह भी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे गुट के जो लोग हैं वो गोवा एयरपोर्ट से अब धीरे धीरे बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं, यानी वो तमाम विधायक। मृत्युंजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, अब निगाहें गोवा एयरपोर्ट पर हैं, क्या ये सारे विधायक वहां से बाहर आकर एक साथ जाने वाले हैं और क्या आज की रात गोवा में ही रुकेंगे, कुछ इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाई है क्या? जी हाँ, ये स्थिति स्पष्ट हो गई है, गोवा में ही विधायक रुकेंगे, ताज होटल में ही विधायक रुकेंगे। और आपको बता दें कि अलग गेट से भी कुछ विधायकों को निकाला जा रहा है, तो हमारी एबीपी न्यूज की टीम अलग अलग गेट्स पर तैनात है। आपको बता दें कि सुरक्षा की वजह से और भीड़ ना हो, और जिस प्रकार से मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है, आम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे पर यात्री भी आ रहे हैं, ऐसे पर इन विधायकों को अलग गेट से भी निकाला जा सकता है। तो आपको बता दें कि दो अलग अलग गेट से है, दोनों जगह पर ही गाड़ियों की डिप्लॉयमेंट की गई है, दोनों जगह पर ही बस और कार डिप्लॉय किए गए हैं, दोनों जगह पर ही पुलिस का कॉन्वॉय रखा गया है, तो दोनों ही जगहों पर एबीपी न्यूज की निगाहें हैं। और आपको बता दें कि थोड़ी देर में संभवतः एयरपोर्ट से परिसर से बाहर आएंगे, टर्मिनल से, और अपने बस में बैठकर और अन्य वाहनों में बैठकर जो विधायक हैं वो सीधे ताज होटल के लिए रवाना होंगे। 27 किलोमीटर की लगभग दूरी है ताज होटल की गोवा एयरपोर्ट से, तो संभवतः वो यहीं पर रुकेंगे। यह स्पष्ट हो चुका है कि वो गोवा में ही रुकने वाले हैं, गोवा में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर होटल में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से वहां जाकर ये बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। उसके बाद तब तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार कल क्या कुछ भूमिका होने वाली है, क्या कोई फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनती है नहीं, तो कल क्या होगा, इस पर तो सबकी निगाह बनी हुई है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अगले मुख्यमंत्री सूबे के अब देवेंद्र फडणवीस बनने जा रहे हैं। पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा, यह देवेंद्र फडणवीस की कही बात आज सच हो गई है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, जाहिर तौर पर आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, आगे क्या करने वाले हैं आप लोग, आगे की अब क्या रणनीति होगी? नहीं तो स्पष्ट है कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन का सामने सुअवसर दिखाई दे रहा है।
और जनता ने जनादेश ही दिया था कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बने। अब उसमें कुछ स्वार्थी तत्वों ने शिवसेना के हिंदुत्व को परिवर्तित कर तो सेकुलर बना दिया और सत्ता का लोभ किया। उसका परिणाम है आज उनके ही जनप्रतिनिधि उनकी इन जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए शिवसेना का जो विधायक दल है वो पूरी तरह से नेतृत्व के खिलाफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर, क्योंकि उनका पहला ही प्रस्ताव ये एकनाथ शिंदे के ग्रुप का था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर ले वो लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हिंदुत्व के प्रति जिस तरह से शिवसेना के पक्ष प्रमुख श्रीमान उद्धव ठाकरे ने स्वयं को विड्रॉ किया उसका परिणाम आज उनको भुगतना पड़ा ये दिखाई दे रहा है। मैं आगे भी आपसे बात जारी रखूंगा प्रेम शुक्ल, मैं आता हूं आपके पास सर, मैं आता हूं, अपनी बात रखिएगा। लेकिन संजय राउत ने एक ट्वीट किया है, जरा वो भी हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे क्या ट्वीट किया है उन्होंने, जरा आप देखिए ट्विटर हैंडल पर जो बात उन्होंने लिखी कि हमने एक संवेदनशील मुख्यमंत्री खो दिया। ये कहना संजय राउत का, शिवसेना के प्रवक्ता का। प्रेम शुक्ला जी, आप भी किसी जमाने में दोपहर के सामना के संपादक रहे, ये सामना के संपादक भी हैं, संजय राउत जी कह रहे हैं कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री को हमने खो दिया और ये शिवसेना की शानदार वापसी की शुरुआत है, ये भी कह रहे हैं। अब उनकी संवेदनाएं जनता के प्रति, नहीं उनकी आदरणीय उद्धव ठाकरे जी की संवेदनाएं जनता के प्रति थी, श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति थी, श्री शरद पवार के प्रति थी, श्री संजय राउत के प्रति पता नहीं है, क्योंकि कोविड के काल में सबसे अधिक मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है, सबसे अधिक अव्यवस्था महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पूरे कोविड काल में स्वयं क्वारंटाइन रहा, फेसबुक का मुख्यमंत्री जिसका सारा जो है कोविड से संघर्ष का प्रयास फेसबुक के बाहर निकल ही नहीं सका और उसका परिणाम यह रहा कि सर्वाधिक मृत्यु महाराष्ट्र को झेलनी पड़ी, सबसे अधिक कसौर महाराष्ट्र के लोगों को कोविड काल में किसी प्रकार की। चलिए प्रेम शुक्ला जी, मैं माफी के साथ बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी बहुत तेजी के साथ हमें मिल रही हैं, वो भी दर्शकों तक बात पहुंचानी चाहिए। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने वहां पर नीतीश राणे से बातचीत की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी खेमे में इस समय खुशी की लहर है। हमारे साथ नीतीश राणे, उनसे बात करते हैं। उम्मीद थी कि इस तरह से बहुमत का प्रस्ताव है उसका सामना नहीं करेंगे, उससे पहले इस्तीफा दे देंगे, पूरा उम्मीद था, पूरा विश्वास था। जो जो उद्धव ठाकरे जी को पहचानते हैं वो शेर वीर कुछ नहीं है, वो गिदड़ है और गिदड़ जैसे आज मैदान छोड़ के भाग गए। तो आपको लग रहा है कि अब ये जो शिवसेना है वो धीरे धीरे असली शिवसेना शिंदे गुट हो जाएगी? मगर असली शिवसेना शिंदे गुट ही है, आज कोर्ट में भी वो कहा है, आज एकनाथ शिंदे जी ही शिवसेना चला रहे हैं। बाला साहब की जो असली सेना है वो एकनाथ शिंदे जी और उनके सब आमदारों के साथ है, इसलिए उन्होंने कुछ के खिलाफ में काम किया नहीं है, उल्टा बाला साहब के सोच पे चलने वाली असली शिवसेना कौन है वो उनके शिवसैनिकों ने आज महाराष्ट्र को और देश को दिखा दिया है। शिवसेना कह रही है कि ये असली शिवसेना नहीं है, ये तो खरीदी हुई शिवसेना थी। कैसी खरीदी हुई शिवसेना है वो? आज 50-50 करोड़ रुपए में खरीदे, ये बचकाने हरकत है। जो आमदार है, जो MLA है, विधायक है, वो 4-4, 5-5 बार खुद चुन के आते, वो क्या छोटे बच्चे नहीं है या तो वो क्या मोबाइल फोन नहीं है एक दुकान में जाके खरीद ले, उनको खुद की सोच है। उनको समझ रहा था कि उद्धव जी ने पूरी के उनके पूरी पार्टी कांग्रेस और राष्ट्रवादी को बेच दी है, उससे बचा के उन्होंने लाई है और बाला साहब की शिवसेना को 80 सही तरीके से एकनाथ शिंदे जी ने बचाया, ऐसे मैं कहूँगा। आप तो गणित के महारथी हैं, कितने नंबर हैं अभी आपके पास विधायकों के? वो अभी सारा टोटल आप भी मारिए, आप समझ लीजिए, और मैं तो बोलूँगा ये तो नंबर आने वाले दिन में बढ़ता जाएगा। आदित्य ठाकरे जी भी सोच ले कि उनको उधर ही रहना है या हमारे पास आना है। हमारे पास आना है तो मैं आपके माध्यम से बोलूँगा कि मैं आगे जाके मैं नहीं चिढ़ाऊँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नीतीश राणे थे हमारे साथ। और देखिए ये बीजेपी खेमा है और यहाँ पर बाबा, बाबा,
गोड़िया सिटी जानी ना। गोड़िया सिटी हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। गोड़िया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।